ही रेलेवेंट मैसेज है कि गिल और गायकवाड़ जो है सेम ही कैटेगरी के प्लेयर है, अविनाश जी कह रहे हैं, लेकिन गिल को ज्यादा चांस दिए जाते हैं क्योंकि वो फेमस है। गायकवाड़ पीछे है बट उसका रिकॉर्ड T20 ODI में गिल से बेटर है। हाइप गिल को ज्यादा दिया जाता है। एंड इसी से रिलेटेड मैं एक और मैसेज ले लेती हूँ इनका। गिल ओडीआई एवरेज 61 है, स्ट्राइक रेट 101 है। गायकवाड़ की ओडीआई एवरेज 85 है, स्ट्राइक रेट 99 है। T20I में गिल की एवरेज जो है 24, स्ट्राइक रेट 126। गायकवाड़ की स्ट्राइक रेट एवरेज 40 एंड स्ट्राइक रेट इज 148। तो दोनों ही मामले में जो है गिल ज्यादा आगे लग रहे हैं गायकवाड़ से, लेकिन गायकवाड़ अभी तक रणजी में ही फंसे हुए हैं और गिल जो है वो यू नो कंट्री के वाइस कैप्टन बन गए हैं। इसमें क्रिश आपके बोलने से पहले, क्योंकि मुझे पता है कि आप गिल के लिए काफी पार्शियल है, तो आप लंबे चौड़े गिल के लिए यू नो तारीफों के पुल बांट देंगे। मैं अपना ओपिनियन रख देती हूँ, उसके बाद क्रिश पे जाएंगे। तो भाई देखिए, आपको कंट्री का कैप्टन या वाइस कैप्टन बनने के लिए मोर देन परफॉर्मेंस लीडरशिप स्किल्स चाहिए। यू नो अब गायकवाड़ के पास कितनी लीडरशिप स्किल्स हैं, लोग बोलेंगे CSK को वो लीड कर रहे हैं, धोनी ने उनको ट्रेन किया है। एंड लीडरशिप स्किल्स, देखिए कुछ स्किल्स इनबॉर्न होती है, फ्रेंकली स्पीकिंग गायकवाड़ में मुझे लीडरशिप स्किल्स नहीं दिखती है, बट अगर हम गायकवाड़ को एज अ प्लेयर भी रखें तो यार ही डिजर्व्स एज अ प्लेयर, गायकवाड़ डिजर्व्स अ प्लेस इन द टीम। आई एम नॉट श्योर इट्स इन प्लेस ऑफ गिल, अगर वो गिल के प्लेस में हो या जिसके भी प्लेस पे हो, दैट आई एम नॉट श्योर अबाउट कि और जगह बन जाए शायद उसके लिए, बट लीडरशिप वाइज आई थिंक गिल की बेटर ग्रूमिंग हो सकती है। लेकिन एज अ प्लेयर मुझे गायकवाड़ बहुत पसंद है, एंड यू नो ही इज गॉट ग्रेट टेक्निक, ही इज गॉट गुड फ्लेयर, ही कैन एक्सेलरेट व्हेन द टीम वांट्स हिम टू, तो उसकी जगह तो डेफिनेटली बननी चाहिए बट नॉट एज अ लीडर। देखो दोस्तों, मैं सबसे पहले एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ। एवरेज तो भाई बाबर आजम की भी है, घंटे के आजम की, रिजवान की भी है, क्या आप उसको लाकर के इंडिया की जर्सी में खिलाना पसंद करोगे? शिवानी से मैं पूछ लेता हूं, क्या आप अलाउड करोगे बाबर रिजवान को? क्यों नहीं करोगे, मुझे कारण एक बता दो बस। यार गिल स्टार्ट पैडिंग नहीं करता है। नहीं मैंने वही बोला, आई मीन सॉरी गायकवाड़ नहीं करता। अब नहीं, मैं मेरे मुंह से गिल निकल गया। कोई बात नहीं, गायकवाड़ नहीं करता। कोई बात नहीं, मैं इस सवाल का जवाब दे देता हूँ भाई। एवरेज स्ट्राइक रेट रैंकिंग कैसे बेटर होती है? बाबर आजम और रिजवान हर एक मैच खेलते हैं, टुक टुक करके अपने लिए खेलते हैं, टीम जाए भेंट गुड़वाने, ठीक है। ऐसा ही गायकवाड़ है, कभी भी सिचुएशन के हिसाब से अपने गेयर चेंज नहीं करता। लास्ट मैच जब उसकी 49 पे कैच छुटी थी, आउट हुआ था 49 पे, तो उसने उससे पहले एक ओवर पहले, वो चाहता ना एक ओवर पहले दो ओवर पहले तेजी पकड़ सकता था, अटैकिंग खेल खेल सकता था, लॉफ्टेड शॉट मार सकता था, बिकॉज उसको पता है लॉफ्टेड शॉट में आउट होने के चांसेस ज्यादा है, ग्राउंडेड शॉट मार रहा था। भाई विकेट आपके नीचे तक बची हुई है, रिंकू सिंह नीचे के बड़े बड़े बैट्समैन पता है, सिंपल सा फंडा है। अगर आप नोट आउट हो अपने लिए जाओगे, अपनी एवरेज बढ़ाने में, स्ट्राइक रेट ठीक करने में, वो बंदा आपको ऐसे ऑन पेपर अच्छा लगेगा। मुझे नहीं, छोड़ो राहुल द्रविड़ को, गौतम गंभीर को कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। अविनाश कह रहे हैं क्रिश को समझाना माथा मारने के बराबर है। बिकॉज़ मैं बता देता हूं, एक बहुत बड़ा एक अच्छा सा इंटरव्यू याद आ गया, मुझे याद आ गया, अंडर 19 नगिल की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ राहुल द्रविड़ की बात कर रहा हूं। एक बंदे ने 5 विकेट्स ली, राहुल द्रविड़ ने पूरी टीम को सम्मान किया, अच्छे से आ रहे थे, उस बंदे को नहीं किया। वो बंदा इंटरव्यू दे रहा, मुझे बड़ा दुख हुआ, मैंने जाके राहुल सर से पूछा, सर आपने सबके कंधे पे हाथ रखा, मेरे पे नहीं लगा। उसने बोला तू सेट बैट्समैन को स्ट्राइक रोटेट करवा करके दूसरी सेट से विकेट निकाल रहा था, जबकि तेरा काम स्ट्रेंथ थी विकेट निकालना, सेट बैट्समैन को तू अपने लिए खेला, तू टीम के लिए नहीं खेला। तो यही चीज जो है, गायकवाड़ सिर्फ अपने लिए खेलता है, इसलिए उसके जो नंबर है अच्छे दिख रहे हैं। अगर गिल में ये सेल्फिशनेस दिखती कभी भी, तो वो इतने अटैकिंग शॉट नहीं खेलता। और ये खिलाड़ी जो होते हैं ना कोचेज, उनको पता होता है टैलेंट किस में ज्यादा है। तो अविनाश जी कह रहे क्रिश को समझाने के लिए क्रिश के अंडर जाना होगा। दूसरी बात भाई, अगर कैप्टनसी की भी बात सुन ही नहीं रहा, नहीं मैं अपनी बात तो कंप्लीट करूं भाई। कैप्टनसी की बात सुन लो, अगर आप बात करो, धोनी पीछे से सब कुछ कर रहा है, गायकवाड़ सामने लगा दिया, जडेजा ने बीच में छोड़ दी थी ऐसी कैप्टनसी। जब आपने बलि का बकरा ही बनाना है, तो जडेजा ने बोला मैं नहीं बनूंगा, अगर तुम्हें ही सब कुछ करना है तो तुम करो ना भाई, फिर नाम मेरा क्यों ले रहे हो? लेकिन गायकवाड़ धोनी ने मुझे 2 साल पहले बोल दिया था। अबे 2 साल पहले बोल दिया था तो बीच में जडेजा कैसे आ गया? चाट लो जा करके थाला की। तो ऐसे खिलाड़ियों को भाई नहीं रखते।
चलिए इसी रिलेटेड मैं लोगों के ओपिनियंस ले लेती हूँ, फिर आप उनके जवाब दे सकते हैं। नहीं मेरा हो गया। नहीं आप दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, लोगों की भी सुननी बहुत जरूरी है, हमारा चैनल ही इसके लिए है, हम लोगों के ओपिनियंस लेते हैं हर टॉपिक पे। तो स्वप्निल जी कह रहे हैं हमारे वाइस कैप्टन हर सीरीज में बदलते हैं, गिल को परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। जी दिस इज पॉइंट नोटेड, वाइस कैप्टन की इंडिया में कोई वैल्यू नहीं है। अभी देखिए हार्दिक पांड्या के साथ क्या हुआ, कुछ भी स्टोरी बना के उसका पत्ता काट दिया। कैप्टन डबल की हो तो हाँ एग्जैक्टली। तो गायकवाड़ ने ऑरेंज कैप लेके टीम को जिताया है आईपीएल। सागने की कह रहे हैं, सागने इनका यू नो सपोर्ट कर रहे हैं। इसी में बोल देता हूं, एक मिनट में कुछ तीन चार मैसेजेस लेने दो सेम टॉपिक पे। जय मुद्दल जी की रिक्वेस्ट है कि भाई अच्छा खासा शो चल रहा है और बीच में आप पाकिस्तानियों की बात करके यार पूरा मूड खराब कर देते हैं उनका। बाबर का एग्जाम्पल मत लो यार, जय मुद्दल जी का मूड नहीं खराब होना चाहिए। मुद्दल जी सबसे बेस्ट उदाहरण दे दो ना तो जल्दी पकड़ में आ जाता है। मैं किसी और का देता तो मैं पार्शियल हो जाता, जैसे गिल का सपोर्ट में। अब आपको वहां पे पता है वो स्टैट पैडिंग करते हैं जी। यहाँ कोई स्काई आ गए हैं और वो पता नहीं कौन से लैंग्वेज में लिख रहे हैं, और निम अमुम सुलभ यार मैं तो ये लैंग्वेज यार मुझे ये लैंग्वेज आती नहीं है। इंग्लिश में लिखो या हिंदी में लिखो, कोई अपनी बनाई हुई बनावटी लैंग्वेज मत लिखो। मेरा 5 साल का भांजा भतीजा नेफ्यू है, हाँ मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ भांजा भतीजे में, तो वही नेफ्यू है, वो ऐसी वैसी लैंग्वेज कभी कभी बोलता रहता है कि मतलब हमें लगता है कि जो सच के ऊपर से जा रही है। हाँ, कुछ भी बना बना के हमें लगता है पिछले जन्म में ये कुछ होगा अफ्रीका के जंगल में कुछ होगा। रोको दोस्ती के फैन कह रहे क्रिश भाई गिल और बाबर सेम है, सेल्फिश 126 का दोनों का स्ट्राइक रेट है। मैं मैसेजेस एक साथ ले रही हूँ फिर आप जवाब दे देना। आरसीबी 100 साल में आईपीएल नहीं जीतेगा, खेल राहुल। चलिए ये दूसरा मैसेज आ गया बीच में, अपने लिए खेलता है गिल, खेलता है एग्जाम्पल जिम्बाब्वे। एक भी बारी उसने अभिषेक और जयसवाल को ओपन नहीं करने दिया, उसने अपने आप को बीच में एक ट्विंकम जैसे चिपका रहा ओपनिंग की पोजीशन में कि मैं यहां से नहीं हटूंगा। तो भाई गिल के ओडीआई वर्ल्ड कप में इंडिया की वाट लगा दी थी। किंग कोबरा कह रहे हैं एंड अविनाश जी कह रहे हैं कि जिम्बाब्वे रिंकू सीरियस रिंकू अभिषेक गायकवाड़ के जितवाया था गिल ने नहीं। और आपको एक यहाँ सपोर्टर मिल गया मयंक जी, वो ये कह रहे क्रिश भाई इज राइट, ऋतुराज इजंट कैप्टेंसी मटेरियल। तो भाई ये सारे इस के मैसेजेस हैं और भी बहुत सारे मैसेजेस हैं, लेकिन आप जवाब इसमें देखो ऑरेंज कैप आईपीएल भाई इस साल गिल थोड़ा कम चला, उससे पहले ऑरेंज कैप उसी के पास थी, ठीक है, हर बार रन बना रहा। 2022 में सबसे ज्यादा रन ठोके उसने, जब तक उसको डेंगू नहीं हुआ तब तक टीम इंडिया की जर्सी में उसने सबसे ज्यादा रन बनाए, ठीक है। अब फ्लॉप शो आया इसका बंदे का, आप हाथ छोड़ दो। विराट कोहली का भी फ्लॉप शो आया था, ठीक है, 2019 के बाद सबने बोला था रिटायरमेंट ले लो, दूसरों को मौका दे दो सबने। मैं यहाँ खड़ा था कि फॉर्म आएगी क्योंकि क्लास है, मेंटली ब्रेक है बंदा। अब गिल का मैंने बोला देखो जो उसने अभिषेक को गलत नीचे किया गलत है, उसमें मैं बिल्कुल 100% बोला गलत किया। मैं इस चीज से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि गिल अपने आप को नीचे डाउन करता। कोई भी कैप्टन, रोहित शर्मा ने अपने आप को डाउन नहीं किया, गिल को ही ऊपर से नीचे भेजा गया था जब जायसवाल और रोहित शर्मा खेल लेते। तो आप ये बात समझो जो भी कैप्टन होता है और स्पेशली जो आउट ऑफ फॉर्म चल रहा होता है वो थोड़ा स्लो खेल ले तो खेल ले, खेलना चाहिए उसको क्योंकि फॉर्म आनी जरूरी है। जैसे जैसे फॉर्म आती है फिर तेज तेज इंटेंट खेलते हुए, तो आपने देखा ही है गिल के पास टेक्निक है, शॉट्स कैसे कैसे मारता है, हाई लोफ्टेड शॉट्स मारता है, लगातार मारता है। बात गिल की नहीं है, बात यह है कि अगर दो पैटर्न के बैट्समैन एक साथ स्लो खेलने वाले मिल जाएंगे, जैसे एक मैच में जब जयसवाल आए थे, पहला मैच जब जयसवाल ने खेला मतलब थर्ड T20 स्लो खेलने लगा, गिल भी स्लो खेलने लगा, वो मरवा देते हैं फिर टीम को जी। तो यशपाल जी कह रहे हैं कि मैडम मुझे लगता है मुझे स्पैम करना पड़ेगा, मेरे मैसेज नहीं ले रहे। यशपाल जी एक्चुअली हम टॉपिक वाइज चलते हैं, टॉपिक से रिलेटेड जो व्यूअर्स से डिस्कशन हो रही है उसके मैसेजेस मैं एक साथ देती हूँ। अभी तो समीर जी के बहुत सारे मैसेजेस रहते हैं, ऊपर विशाल जी के भी मैसेजेस रहते हैं, वो सारे मैं लूंगी, लेकिन एक टॉपिक में व्यूअर्स के ओपिनियन लेना बहुत जरूरी है क्योंकि हम भी डिस्कशन कर रहे हैं तो ऐसा लगता है सारे एक साथ कर रहे हैं, तो आपको स्पैम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपका मैसेज ले लेती हूँ। कोहली इज ऑल इंटरनेशनल सेंचुरीज टिल नाउ, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 16, श्रीलंका 15, वेस्ट इंडीज 12, न्यूजीलैंड 9, इंग्लैंड 8, साउथ अफ्रीका 8, बांग्लादेश 7, पाकिस्तान 3, जिम्बाब्वे 1 एंड अफगानिस्तान 1। तो भाई अफगानिस्तान की वो सेंचुरी थी जब वो कमबैक फॉर्म में आए थे, ओपनिंग पे आए थे। जी जी बहुत अच्छा, T20 में पहली बार ओपनिंग पे आए थे, सेंचुरी बना दी थी। दूसरी बात 80 सेंचुरी टोटल हो गई इस भाई की, 20 सेंचुरी बची है। अब गौतम गंभीर ने इसको वापस बुलाया देखो छुट्टी से रेस्ट से, इसका मतलब एक संकेत जा रहा है कि वो चार बंदा चाह रहा है ये बंदा 100 सेंचुरी प्लस मारे। ये बंदा देश के लिए जो खेलता है ना,
इसको सपोर्ट कर रहा है गौतम गंभीर, ये सबसे अच्छी बात है जी। तो रोको दोस्ती के फैन किंग कुमरा जी कह रहे हैं ओनली गिल इज द रीजन कि हम ओडीआई फाइनल हारने का, यशस्वी जायसवाल 3 फॉर्मेट्स में होना चाहिए। यार सिर्फ गिल को ब्लेम कर देना उस फाइनल का, ये तो बात मैं अग्री नहीं करती। देखो गिल की फॉल्ट थी, मतलब वो आई डोंट नो क्यों रिस्पॉन्सिबली खेला नहीं। उसको प्रिंस ऑफ अहमदाबाद कहा जाता है, उसका वो होम ग्राउंड सॉर्ट ऑफ माना जाता है, वो वहां बहुत रन मारता है। फाइनल का प्रेशर उसको खा गया, यू नो, एंड आई डोंट नो क्या उसने क्यों इतना लूज शॉट खेला, कैसे वो आउट हो गया, लेकिन 100% ही इज नॉट टू ब्लेम। आई स्टिल बिलीव रोहित शर्मा अगर वो थर्ड शॉट उस 10th ओवर में वो थर्ड शॉट नहीं मारते, ऑलरेडी 2 बाउंड्रीज आ चुकी होती, थोड़ा लंबा खेल लेते, 5-7 ओवर और निकाल लेते तो शायद स्टोरी डिफरेंट हो जाती। तो भाई स्केल राहुल भी बहुत स्लो खेले, बॉलर्स भी उतने इफेक्टिव नहीं रहे, तो उस दिन बहुत सारी गड़बड़े हो गई थी। लेकिन गिल की भी पार्शियली मिस्टेक थी, फुल मिस्टेक नहीं थी। देखो मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से कि हाँ गलती थी गिल की। एक तो उसका होम ग्राउंड था, ओवर कॉन्फिडेंस होने की जरूरत नहीं थी। हाँ फेल हो जाते हैं, आप पहला फाइनल खेल रहे हो, प्रेशर में आ जाते हो। भाई इतने फाइनल खेले थे, 2003 में सचिन तेंदुलकर भी फाइनल में एक बार आउट दे दिया गया था, एम्पायर से बुलाया नॉट आउट, फिर दोबारा सेम शॉट खेल के आउट हो गया था। प्रेशर होता है, बट आपका होम ग्राउंड है। दूसरी बात, आपको थोड़ा सा गेम चलाना आना चाहिए टेक्निक के हिसाब से। और तीसरी बात, मैं इसको सपोर्ट करूंगा, जब रोहित शर्मा खेलते हैं, रोहित शर्मा एक ही कहते हैं, जब मैं ओपनिंग जाता हूँ मैं देखता हूँ 0 विकेट है तो मैं खुला खेल सकता हूँ। खुला खेलने में गिल आउट हो गया, गलती थी, बाकी सबकी भी गलती थी यार, ऐसी बात नहीं है। अगर सब थोड़ा थोड़ा अच्छा सा खेल जाते ना, ओवर मतलब हाइप नहीं लेते कि हमें 350-400 बना के ही जीतना है, तो मैं समझता हूँ वो वर्ल्ड कप भी हमारे पास आ जाता। जी अविनाश जी कह रहे हैं कि गिल तो वही कैटेगरी में है जहां वो फेल हो गया 2021 टेस्ट चैंपियनशिप, 23 टेस्ट चैंपियनशिप में, वर्ल्ड कप में यार। बट अविनाश जी गिल की कभी भी स्किल लेवल पे क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। आपको वो टेस्ट मैच याद होगा जो हमने ऑस्ट्रेलिया में खेला था, उस टाइम गिल बहुत ज्यादा यंगस्टर था, 91 रन्स की उनकी तरफ से कंट्रीब्यूशन आई थी, हम वो टेस्ट मैच जीते थे, सीरीज जीते थे ऑस्ट्रेलिया में। इतना लीथल हेजलवुड था और कौन कौन थे उनके, इतना लीथल बोलिंग अटैक के अगेंस्ट वो बंदा खड़ा रहा, ही वॉज वन ऑफ द आर्किटेक्ट्स ऑफ दैट टेस्ट मैच। गिल की स्किल में मुझे कभी भी डाउट नहीं है, लेकिन गिल की डिस्ट्रैक्शंस के वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ कि भाई कभी कोई सारा आ जाती है, कभी कोई आज इनफैक्ट गिल की इतनी बातें हो रही है मैं कैसे भूल गई, आज उसने अपना जिम की चेन लॉन्च कर दिया। जैसे मैंने ये खबर सुनी मैंने सीधा अपने सर पे ऐसे करा, मैंने कहा लो जी एक और नीचे फटाफट मैंने कमेंट किया कि भाई अभी से ही जिम की चेन तूने शुरू कर दिया। मतलब क्रिकेट को छोड़ के उसका हर जगह में, हर घी में उसकी उंगली डली हुई है क्रिकेट को छोड़ के। लेकिन उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि अभी तू ट्रैक पे आया नहीं है, अभी सिर्फ तेरी थोड़ी सी तुलना दी है, उसमें इसको लगता है कि अभी मैं करोड़ों रुपए छाप लूं। अरे भाई बिजनेस के लिए ना टीम रखी जाती है, ठीक है, तुम्हारा नाम यूज करके काम हो जाता है, तुम्हारा काम खेल खेलने का है। मैं तो पहले से बोल रहा हूँ डिस्ट्रैक्ट है, जब तक डिस्ट्रैक्शन बढ़ती रहेगी, फोटो शूट करता रहेगा, एप्स दिखाता रहेगा, लड़की के साथ डिनर करता रहेगा, लंच करता रहेगा, घूमता रहेगा, तो परफॉर्मेंस नहीं आएगी। अब देखो वर्ल्ड कप में रिंकू सिंह गया, टीम के साथ था, रिजर्व में ही था, गिल का कभी काम वही था ना, फोटो खिंचवा रहा जंगल में। अबे तू छुट्टी पे गया है क्या, रिटायरमेंट ले ले फिर अगर तुझे छुट्टी पे चाहिए, या जब तू नहीं खेल रहा स्क्वाड में नहीं है तब तुझे जो करना कर, हम नहीं रोकते। सचिन तेंदुलकर भाई अब रिटायरमेंट के बाद सब जगह जाके फोटो रील वीडियो सब कुछ कर रहा है भाई, पैसे आज भी कमा रहा है, लेकिन अब क्योंकि वो क्रिकेट नहीं खेलता है तो वो फपाकी की चीज कर रहा है। जी तो संदीप जी वापस आ गए कहीं से घूम घाम के, आपका वेलकम है।